पुरंजे पूछते हैं कि किस केंद्र पे ध्यान की यूटिलिटी ज़्यादा है, शांत होने की दृष्टि से और मोक्ष की दृष्टि से कौन सा केंद्र उपयोगी है, प्लीज जस्टिफाई। पुरंजे, जस्ट फॉरगेट अबाउट मोक्ष। मोक्ष यही है जो हम लोग इस समय आमने सामने बैठे हैं, बीइंग अलाइव विद अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड एंड विद इटर्नल फ्लो ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज मोक्ष। मोक्ष को अलग से ना ढूंढें। अगर एनर्जी सेंटर की बात करें तो मैंने उसको स्पष्ट कर दिया था, जो आज हमने प्रयोग लिया अनाहत हार्ट सेंटर पर, वो हमेशा शांति के लिए, संतुलन के लिए बहुत उपयुक्त है, सर्वोत्तम है। और जो पहले दिन हमने लिया था नाभि केंद्र वाला, वो सेंटर ऑफ बीइंग है, हमको ज़्यादा रूटेड बनाने के लिए, हमको ज़्यादा एनर्जाइज बनाने के लिए, हमको ज़्यादा भयमुक्त बनाने के लिए, वो उसमें उपयोगी होता है। तो जब आप नाभि केंद्र पर, स्वाधिष्ठान पर आएंगे, तो ज़्यादा रूटेड, ज़्यादा कंपोज्ड, ज़्यादा सेंटर्ड अनुभव करेंगे। और अनाहत पर जब आप काम करेंगे तो बहुत ही कूल, पीसफुल, बैलेंस्ड, लविंग, जॉयफुल अनुभव करेंगे। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चुनने की अगर बात आए तो हम हमेशा अनाहत केंद्र को चुन सकते हैं। Thank you.